नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के सागर के विजय टॉकी चौराहे पर एक अजीब वाकया सामने आया है। यहां एक महिला अपने पति को पुलिस से छुड़ाने के लिए हाथ जोड़ रही है, यहां तक कि वो पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। गाड़ी के पीछे करीब 100 मीटर तक भागी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। असल में कोतवाली पुलिस शनिवार को चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार एक पति पत्नी को रोक लिया। उन्होंने बताया कि वो बागराज वार्ड के रहने वाले हैं। पूछताछ में बोले कि घर में शादी है, इसलिए कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने गए थे, लेकिन दुकान बंद थी। ये सुनते ही पुलिस ने बाइक सवार युवक को पकड़कर पुलिस गाड़ी में बैठा लिया और उसे अस्थायी जेल ले जाने लगे। तभी पत्नी ने पुलिस के सामने पति को छुड़ाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पति को छुड़ाने के लिए पत्नी पुलिस गाड़ी के पीछे करीब 100 मीटर तक दौड़ी और गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि उन्हें छोड़ दो, हम घर जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों ने महिला को समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। करीब आधे घंटे तक महिला और पुलिस वालों की बहस होती रही और कोतवाली टीआई के पास पहुंच गई और हाथ जोड़कर पति को छुड़ाने की फरियाद करने लगी। लेकिन टीआई ने भी महिला को समझाते हुए उसे घर जाने की बात कही, जिसके बाद फिजूल में घूमने के आरोप में युवक को अस्थायी जेल भेजा गया और महिला थक हार कर घर वापिस चली गई। मतलब साफ है कि आप कितना भी जतन क्यों ना कर लें, अगर आपने गलती की है, लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, तो पुलिस आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए फिजूल में घूमने के बजाय घर में रहें और अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।